फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली लहसुन की सूखी चटनी, बहुत ही टेस्टी चटपटी। इसके लिए मैंने लिया है एक लहसुन, उसे मैंने छील लिया है। उसके अलावा 1/4 कप सूखा नारियल, 1/4 कप फली और यह है सूखी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। सबसे पहले मैंने एक पैन रखे, गर्म होने दिया है, उसमें डाला है 1/4 कप मूँगफली, डाल के इन्हें मैं सूखा भून लूँगी। ये चटनी स्पेशली वड़ा पाव चाट के साथ सर्व किया जाता है। आप इसे रोटी, पराठा, चावल के साथ भी खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फली भुन गया, मैं इसे निकाल रही हूँ। अब सेम इसी पैन में मैं 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें ऑयल बहुत ही कम लगता है क्योंकि फली और नारियल में नेचुरल ऑयल रहता है। जैसे ऑयल गर्म हो गया, मैंने डाला लहसुन की कलियाँ डाल के मैंने भून रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी कम रहती है बट कलर बहुत अच्छे से रहता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल मिर्च भी डाल सकते हो। डाल के सेम इसी तरीके से भून लेना। फिर उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सूखा नारियल। सूखा नारियल नहीं है तो आप खोबरा खीस भी डाल सकते हो, ग्रेटेड डेसिकेटेड कोकोनट। डाल के इन्हें सुनहरा होते तक भुनना है। अब सारी चीज़ें ठंडे हो गए, मैं इन्हें ग्राइंड करने वाली हूँ। मिक्सी के जार में डाल के नमक डाल के आप इसे दरदरा ग्राइंड कर लेना। इसे बना के आप 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी, और इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी ये टेस्टी सूखी लहसुन की चटनी बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।